मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं नितिका गोयल आपका वेलकम करती हूँ कलर होम हैप्पी विद नितिका पर। और आप आज जो देखने आए हैं वो मैं आपको बता दूँ, आज मैं आपके लिए ट्यूटोरियल फॉर मिनिएचर गार्डन लेके आई हूँ। कल मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट व्लॉग लेके आऊँगी इसी के लिए, तो उसमें आज दिखाऊँगी कि कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके कैसे हम बहुत कम बहुत ही मिनिमम एक्सपेंस पे हम ये गार्डन बना सकते हैं और घर को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो आपको बस अपनी क्रिएटिविटी लेके आनी है चीज़ों में और बस आपका घर सुंदर हो जाएगा। ये प्लांट है और मैंने इसके साइड में यहाँ पे जगह कर ली, थोड़ी सी पेबल्स को मैंने पीछे कर दिया और अब हम यहाँ पे गार्डन बनाएंगे। सबसे पहले ये लगाते हैं। ये बुशेस मेरी एक आर्टिफिशियल प्लांट की थी, मैंने इनको ऐसे यूज़ करने के लिए रख लिया, वो ख़राब हो गया था। साथ में ये वाली बुशेस भी लगा रही हूँ। ऐसी और भी बुशेस हैं मेरे पास। ठीक है, और ये वाली दो ये यहाँ पर खड़ा कर दूंगी। और अब आएगी हमारी हट, और हट को हम ये देखिए, ये है मेरी हट। ये वाली फ्रेंड्स, ये हट मैंने क्ले से बनाई थी। ये सब येलो फ्लावर्स, रेड, ये जो इसकी रूफ है ये सब क्ले से बना हुआ है। और ये एक मेरे पास प्लास्टिक का जार था, उससे मैंने ये काट के ये बनाई थी। ये हट हो गई और ये यहाँ पे इसका गेट। ये गेट लग गया एंड नाउ बेबीज के बैठने की बारी है। अब तो आप देखिए कैसे लग रहे हैं ये, कुछ अच्छे लगे आपको? ये वाला फ्लावर वाली बुश मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, तो ये इसका ट्यूटोरियल था गाइस। और आपने देखा बहुत इजी था, मैंने इससे थोड़ा बड़ा बनाया था लास्ट ईयर, पर इस टाइम मुझे इस प्लांट में ही लगाना था तो ये इतना ही बन पाया। और ये बेबीज़ मेरे पास पहले से ही थे, तो आप घर में रखा हुआ कोई भी टॉय लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाइए और आपके पास कुछ नया होगा, कुछ सुंदर होगा। ओके फ्रेंड्स, ये वाला प्लांट देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर फ्लावर्स के साथ है और मैंने इसमें ऐसे चार पेबल्स के कोई इधर रख दिया साइड में। और अब जो है हम लगाएंगे धीरे धीरे बुशेस, 1, 2, 3। ये वही मेरी एक पुराने प्लांट की बुशेस हैं जो कि बेकार हो चुका था बिल्कुल। आप देख रहे हैं बहुत इजीली लग जाती हैं क्योंकि सॉइल तो एकदम फ्लेक्सिबल होती है। गार्डन बना रहे हैं हम तो आप किसी भी तरह कुछ भी कर सकते हैं, नेचर इज़ ऑलवेज वेरी फ्लेक्सिबल। और ये लग गई देखिए, अब हम मेरे पास ये देखिए आप, ये एक मैंने बनाई थी, ये सब वुडन स्ट्रिप्स हैं, किसी भी पेड़ की ऐसी टहनी काट कर मैंने उनको जेल से
सब चिपका दिया था और ये ऐसे रखा और ये हमारा पहला बेबी और ये दूसरा। बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये बन गया, ये हमारा ये गार्डन हो गया और तो आपने देखा ये सब बहुत इजी था। ये देखिए कितना प्यारा लगता है। और फ्रेंड्स, बस अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाने की ज़रूरत है एंड यू कैन डू वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स। लोग तो आप देख ही रहे होंगे, ये तो बस बैठे हैं। सिर्फ एक ये पेबल मैंने कलर किया हुआ है, ये मैंने क्रिसमस के टाइम पे ये स्नो फ्लेक्स बनाए थे इस पर, तो ये मैंने कलर किया हुआ है। ये बस मेरे पास एक बाहर रह गया था तो मैंने ऐसे ही रख दिया। और ये भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये दो बेबीज़ भी बहुत क्यूट हैं। बस रख दिया, बन गया गार्डन। दे आर जस्ट हैंगिंग अराउंड एंड बस, कुछ भी नहीं है और तो ईजी। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना ईजी था, कैसा लगा? लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नीचे जो बेल आइकन आता है उस पर प्लीज़ प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आगे बहुत DIYs, बहुत कुछ कुकिंग रेसिपीज़, बहुत कुछ आने वाला है, तो मेरे साथ रहिए। गुड बाय, टिल देन कीप वॉचिंग कलर होम। हैप्पी विद नितिका।